नमस्कार, मैं डॉक्टर धवल मरोकिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जन, सिड्स हॉस्पिटल सूरत से। आज कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति या दर्दी को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है, उस प्रोसीजर से वो रिकवरिंग के फेज में आ रहे हैं, तो उनको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सा परहेज रखना जरूरी है। यूजुअली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या फिर की होल सर्जरी एक बहुत ही छोटे छोटे होल से की जाने वाली या फिर लेमिनल लैंग्वेज बताए तो लेजर सर्जरी जैसा है। यूजुअली उसके इमीडिएट बाद पेशेंट का रिकवरी एज कंपेयर टू ओपन सर्जरी बहुत फास्ट रहता है। तो ऐसी सूरतों में जब किसी पेशेंट की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है तो दो फेज में उनको डिवाइड किया जा सकता है। एक तो इमीडिएट ऑपरेशन के दौरान का कुछ समय और उसके कुछ और समय बाद, मतलब दिनों के बाद जो रिकवरी होती है वो दौरान का समय। तो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड जो हम बोलते हैं टिल 48 आवर्स और डिलेड पीरियड जो हम बोलते हैं कि आफ्टर 48 आवर्स, ये दो विभाग में हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन यूजुअली देते हैं। तो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हम हमारे पेशेंट्स को कुछ भी स्ट्रेनियस एक्टिविटीज करने के लिए ना बोलते हैं, जिसकी वजह से जो पेट के भाग में जब सर्जिकल साइट्स है वहां पे कुछ प्रेशर नहीं आना चाहिए। लेकिन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के टाइम पे भी पेशेंट अपनी रूटीन एक्टिविटीज, मतलब बाथरूम जाना, वॉशरूम जाना, खाने पीने के लिए बैठना या फिर अपने रूटीन डे टू डे काम करना, उसके लिए हम लोग यूजुअली अलाउ करते हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि सर्जरी के बाद क्या इंडियन टॉयलेट यूज कर सकते हैं, तो यूजुअली हम लोग कभी भी सर्जरी के इमीडिएट पीरियड में इंडियन टॉयलेट यूज करने के लिए ना बोलते हैं और प्रेफरेबली वेस्टर्न टॉयलेट ही यूज करना हिता हो। अगर लंबे समय की बात करें तो पेशेंट्स के बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है कि आफ्टर रिकवरी हम हमारी जिम एक्टिविटीज है या फिर स्विमिंग है या स्पोर्ट एक्टिविटीज है वो रीगेन कर सकते हैं। तो उसका जवाब है, जो रूटीन एक्टिविटीज या फिर रूटीन नॉन स्ट्रेनियस एक्टिविटीज है वो यूजुअली रिगेन करने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिम है या फिर हैवी वर्कआउट है, उसके लिए हम एटलीस्ट 1.5 मंथ का आराम के लिए एडवाइस करते हैं। खाने पीने के लिए जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है, तो अगर जो किसी सर्जरी में या माइनर सर्जरीज है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज जो माइनर है जैसे कि गॉल ब्लैडर या हर्निया या फिर अपेंडिक्स, तो ऐसे केसेस में इमीडिएट पीरियड में भी हम नॉर्मल खाना पीना अलाउ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में उसका कुछ परहेज कर बिल्कुल जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन जो मेजर सर्जरीज है, जो एडवांस केसेस है जिसमें इंटेस्टाइन के ट्यूमर है या फिर पैंक्रियाज या लीवर के कैंसर, इस तरह के केसेस हैं, ऐसे केसेस में हम लोग यूजुअली इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में या 24 to 48 आवर्स तक लाइट डाइट या लिक्विड डाइट का एडवाइस करते हैं। और एक बार जैसे ये रिकवरी फेज खत्म होता है, जैसे मैंने बताया कि 48 आवर्स अगर पास हो जाता है, तो अगेन पेशेंट अपने नॉर्मल खाने पीने और रूटीन जो हैबिट्स हैं उसमें लौट सकता है। तो ये थी कुछ रूटीन या फिर इंफॉर्मेटिव बातें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद की रिकवरी के लिए। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चन हैं, आपको कुछ जानकारी चाहिए, तो हमें किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।